जिन खिलाड़ियों पर 2023 में खड़े हुए थे सवाल, उन खिलाड़ियों ने 2024 से पहले मचा दिया बवाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, साल 2023 के आईपीएल में कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन खिलाड़ियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो सबसे फिसड्डी है, इस खिलाड़ी ने तो मट्टी पलीत कर दी। ऐसे तमाम खिलाड़ी थे, लेकिन 2024 से पहले, आईपीएल 2024 से पहले कुछ वही खिलाड़ी ऐसे हैं जिन खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हो रहे थे कि उन्होंने मैदान पर कोहराम मचा दिया, मैदान पर तूफान मचा दिया, और अब उन खिलाड़ियों को लेकर चर्चा है कि भाई साहब ये तो आईपीएल 2024 से पहले तूफान मचा देंगे। चलिए शुरू करते हैं रिपोर्ट। मैं आप लोगों को ऐसे पांच खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा। सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार साल 2023 में कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, टीम इंडिया से भी बाहर हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि शायद करियर भी खत्म हो जाएगा, टीम इंडिया में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे भाई साहब, घरेलू क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार ने कोहराम मचा दिया है। लगातार विकेट झटक रहे हैं, यूपी की टीम की तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, और जिस अंदाज में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि साल 2024 के आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भुवनेश्वर कुमार की रफ्तार और धार एक बार फिर से नजर आएगी। भुवनेश्वर कुमार अपने उसी पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं जैसा भुवनेश्वर कुमार अब से 3-4 साल पहले नजर आया करता था। तो जाहिर तौर पर भुवनेश्वर कुमार का ये कमबैक कमाल का है, और 2024 से पहले ये एसआरएच के लिए अच्छे संकेत हैं। दूसरे खिलाड़ी के तौर पर दीपक चाहर। 2023 में दीपक चाहर की भी वो गेंदबाजी नजर नहीं आई, कुछ मैचेस में बाहर रहे, फिटनेस पर सवाल खड़े हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई, कुछ मैचेस में खिलाया नहीं गया, लेकिन उसके बाद में टीम इंडिया से भी बाहर हो गई, क्योंकि टीम इंडिया में भी मौका दीपक चाहर को मिल नहीं रहा, जबकि दीपक चाहर टीम इंडिया के सबसे प्रमुख गेंदबाजों में से एक थे। स्विंग गेंदबाजों में सबसे प्रमुख दीपक चाहर का नाम लिया जाता था, लेकिन दीपक चाहर को भी के लेकर भी बहुत बड़ी खबर है कि दीपक चाहर ने राजस्थान की तरफ से खेलते हैं कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, और आईपीएल 2024 से पहले दीपक चाहर का यह प्रदर्शन ना केवल उनके लिए बेहतर है, बल्कि उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के लिहाज से भी यह बहुत बेहतर है। अगर दीपक चाहर ने बेहतर परफॉर्मेंस 2024 में करके दिखाया तो टीम इंडिया में उनकी वापसी हो सकती है। अभी दरवाजे दीपक चाहर के बंद नहीं है, क्योंकि दीपक चाहर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। एक ऑलराउंडर के तौर पर दीपक चाहर को देखा जाता था, लेकिन दीपक चाहर का प्रदर्शन गिर गया था, बेकार हो गया था, तो उनको बाहर कर दिया, लेकिन अब अच्छे संकेत दीपक चाहर के लिए भी मिल रहे हैं। उसके बाद में तीसरा नाम रफ्तार का बादशाह, नाम है उमरान मलिक, काव्या मारन का प्यारा, एसआरएच का दुलारा। उमरान मलिक को लेकर भी चर्चाएं थी, क्योंकि 2023 में उमरान मलिक की भी गेंद चल नहीं पाई थी, बहुत पिटाई हुई थी उमरान मलिक की, ऐसा माना जा रहा था, और उसके बाद में उमरान मलिक भी बाहर हो गए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था 2023 से पहले कि उमरान मलिक टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी होंगे, वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उमरान मलिक का प्रदर्शन 2023 में जिस तरीके का रहा, उसके बाद से वो टीम इंडिया से बाहर हो गए, उनको उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, उनको टीम इंडिया में जो मौका मिलना चाहिए था वो मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब घरेलू क्रिकेट में जम्मू कश्मीर की तरफ से उमरान मलिक खेल रहे हैं, और उमरान मलिक ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि उमरान मलिक भी 2024 में कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, और शानदार तरीके से वापसी करने के लिए उमरान मलिक पूरी तरीके से तैयार है। उसके बाद में चौथा खिलाड़ी केकेआर का, बड़ी चर्चा होती है इस खिलाड़ी की, क्योंकि एक वक्त में खिलाड़ी बादशाह था, अपनी गेंदबाजी के दम पर इसने टीम इंडिया में जगह बनाई थी, लेकिन फिर खराब प्रदर्शन के चलते बाहर हो गया, 2023 में भी प्रदर्शन कर नहीं पाया, सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, 2022-2023 दोनों साल बेकार गए। नाम है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी मिस्ट्री गेंदबाजी मानी जाती थी, और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री गेंदबाजी के चक्कर में 2021 के T20 विश्व कप में उनको मौका मिला था, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2022-23 में भी वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन गिर गया था, लेकिन अब वरुण चक्रवर्ती के प्रदर्शन में एक बार दोबारा से बेहतर उछाल देखने को मिल रहा है। घरेलू क्रिकेट में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, वहां पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद वो कमाल कर रही है, बेहतर परफॉर्मेंस वरुण चक्रवर्ती करके दिखा रहे हैं, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस वरुण चक्रवर्ती की है। तो जाहिर तौर पर वरुण चक्रवर्ती को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि भाई साहब वरुण चक्रवर्ती ने भी कमाल कर दिया, और ये केकेआर के लिहाज से बड़े अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इधर वरुण चक्रवर्ती कमाल कर रहे हैं, उधर सुयश शर्मा कमाल कर रहे हैं, दोनों स्पिन गेंदबाजी हैं, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब केकेआर को जो है अब सुनील नरेन पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद में केकेआर के बाकी खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर, जैसे नीतीश राणा गेंदबाजी में कमाल कर रहे हैं, बल्लेबाजी
में कमाल कर रहे हैं, तो केकेआर के पास तीन बेहतर स्पिनर्स हो गए। उसके बाद में आपके गुरबाज बढ़िया कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर वापस आ जाएंगे, रिंकू सिंह बढ़िया कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत हैं 2024 से पहले। उसके बाद में जो पांचवा खिलाड़ी है वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन को लेकर भी बड़ी चर्चा थी कि भाई साहब विश्व कप की टीम में होंगे, लगातार मौके भी दिए गए, संजू सैमसन ने कुछ मौके बुनाए कुछ में फेल रहे, ऐसा माना जा रहा था जब टीम इंडिया ने बाहर कर दिया कि संजू सैमसन के साथ भी मामला गड़बड़ है, उनको भी टीम में मौका नहीं मिलेगा, उनके प्रदर्शन में भी गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन अब घरेलू क्रिकेट में संजू सैमसन ने भी कमाल की पारियां खेली हैं, कई तूफानी पारियां संजू सैमसन ने खेली हैं, कई आतिशी पारी संजू सैमसन की घरेलू क्रिकेट में आई है, और जाहिर तौर पर इन पारियों के बाद यह कहा जा रहा है कि वास्तव में संजू सैमसन के लिए भी यह एक बहुत बेहतर संकेत है। साल 2023 में संजू सैमसन का बल्ला भी उतना चला नहीं था टीम इंडिया में भी और आईपीएल में भी, लेकिन 2024 से पहले जिस अंदाज में संजू सैमसन नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सौगंध खाकर, एक कसम खाकर मैदान पर आ रहे हैं कि भाई साहब जाना है और तूफान मचाना है। तो जाहिर तौर पर ये संजू सैमसन के लिए भी बहुत अच्छे संकेत है, राजस्थान रॉयल के लिए अच्छे संकेत है, और अगर बेहतर करते रहे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव वहां टीम इंडिया में फेल हो रहे हैं, अगर संजू बेहतर करते रहे तो उनकी टीम इंडिया में वापसी भी दोबारा हो सकती है। तो जाहिर तौर पर ये वो पांच खिलाड़ी हैं जिन पांच खिलाड़ियों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, इन पांच खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे थे, बड़ा बवाल मचा था, लेकिन अब इन पांचों खिलाड़ियों ने तूफान मचा दिया है और इन पांचों खिलाड़ियों की दोबारा से टीम इंडिया में वापसी हो सकती है। तो आपका इन पांचों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, और आपकी नजर में कौन से खिलाड़ी की टीम इंडिया में वापसी होनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के अंदर की खबरें मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।